नमस्कार दोस्तों, एक बार दोबारा से आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट के क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है ना, और इसके किस किस शब्द का यूज किया जाता है। तो ये हमारा एजुकेशन हब के नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नई नई वीडियो हम आपके पास भेज सकें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है गुड्स, यानी गुड्स किसे कहते हैं। पहला टॉपिक आता है वो गुड्स किसे कहते हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, और जिसको हम खरीदते हैं बेचते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है ना, वो ही गुड्स कहलाता है। और कोई अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो, मटेरियल खरीदते हो, तो वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, गुड्स या माल उसे कहते हैं जिस वस्तु को हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है वो बेचने के उद्देश्य से होता है, और सिर्फ उस वस्तु को हम लाभ कमाने के लिए खरीदते हैं, ठीक है ना, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगता है, ठीक है ना, और उस वस्तु को हम बिजनेस पर्पज़ के लिए लेते हैं, उसी को हम गुड्स के नाम से जानते हैं, यानी हम माल के नाम से जानते हैं। और कोई भी वस्तु जो होती है वो गुड्स नहीं कहलाती है, ठीक है ना। तो जिस किसी भी चीज़ का हम बिजनेस करें, जैसे मेडिकल का बिजनेस करते हैं, तो गुड्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेडिकल टैबलेट वगैरह सारी जो वो गुड्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ग्रेन का बिजनेस करते हैं, अनाज का बिजनेस करते हैं, तो गुड्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा। अगर हम बुक्स का बिजनेस करते हैं, अनाज जो बुक्स हमारे लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगा। तो जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो ही हमारे लिए गुड्स कहलाएगा, और कोई नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी मीन ऑफ असेस्ट, असेस्ट यानी संपत्ति किसे कहते हैं। संपत्ति उसे कहते हैं जिस चीज़ को हम बिजनेस में यूज में लेने के लिए खरीदते हैं, ठीक है ना, बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं, बल्कि उसको हम यूज में लेने के लिए खरीदते हैं, ठीक है ना। जिसको हम बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं, बल्कि उसको यूज में लेने के लिए खरीदते हैं, तथा उस वस्तु पर हर साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज लगता है, यानी उस वस्तु में जब घिसावट आती है तो डेप्रिसिएशन भी उस पर लगता है। जैसे सपोज कीजिए मशीन है, तो मशीन को हम यूज में लेने के लिए खरीदेंगे, फर्नीचर को यूज में लेने के लिए खरीदेंगे, ठीक है ना, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को यूज में लेने के लिए खरीदेंगे। जिस चीज़ को हम यूज में लेने के लिए खरीदते हैं, ठीक है ना, और हर साल उसमें कमी आती रहती हो, और उस कमी को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। ये आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, जिस चीज़ को बिजनेस में हम यूज में लेने के लिए खरीदते हैं तथा हर साल उसमें जो है वो डिक्रीज होती रहे, यानी डेप्रिसिएशन लगता रहे, उसे हम असेस्ट की तुलना में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है लायबिलिटीज किसे कहते हैं। लायबिलिटीज क्या होता है कि हम किसी दूसरे के बिजनेस में, बिजनेस से हम गुड्स को खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, वो हमें दोबारा से चुकाना पड़ता है। जब तक हम नहीं चुकाते हैं तब तक हमारा दायित्व बना रहता है, तो उसे हम लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, दोबारा से मैं बताता हूँ, जब हम किसी व्यक्ति से उधार में माल खरीदते हैं तथा उस पर हमारा दायित्व बढ़ जाता है, और जब तक हम नहीं वो पैसे चुकाते वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, यानी दायित्व होता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कैपिटल। दोस्तों कैपिटल वो होती है जिस बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में लगाई गई पूंजी को ही हम कैपिटल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अगर बिजनेसमैन कैश लगाता है तो कैश कैपिटल हो जाएगी, अगर गुड्स लगाता है या कोई स्थायी संपत्ति लगाता है, ठीक है ना, या कोई मशीन लगाता है, कार लगाता है, जो भी वो बिजनेस में लगाता है वो सारी आपकी कैपिटल कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बिजनेसमैन के द्वारा जब बिजनेस शुरू करता है उस समय लगाई गई पूंजी को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वह अपना व्यापार प्रारंभ करने से पहले जो भी संपत्ति लगाता है वो हमारे लिए कैपिटल होती है, बिजनेसमैन के लिए दायित्व बढ़ जाता है और बिजनेस के लिए हमारे वो संपत्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है क्रेडिटर्स किसे कहते हैं। क्रेडिटर्स उसे कहते हैं जब हम किसी पार्टी से उधार में गुड्स को खरीदते हैं, उस समय वो हमारी पार्टी जो होगी हमारे वो क्रेडिटर्स कहलाती है, यानी सैंडी क्रेडिटर्स कहलाती है, या करंट क्रेडिटर्स कहलाते हैं, या चालू लायबिलिटीज के नाम से भी हमें उसको जानते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपके सैंडी डेटर्स। सैंडी डेटर्स उस व्यक्ति को कहते हैं जिस वक्त हम किसी पार्टी को उधार में माल बेचते हैं और
वह पैसे हमें बाद में प्राप्त करता है या बाद में देता है, तो जिस पार्टी को हम उधार में माल बेचते हैं वो हमारे लिए सैंडरी डेटर्स कहलाते हैं और ये हमें करंट असेट्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि करंट असेट्स इसलिए जानते हैं क्योंकि वो आपकी संपत्ति एक समय में या दूसरे समय में कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए डेटर्स को हम करंट असेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है कि हम वित्तीय वर्ष क्या होता है, एक अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो बिजनेस से संबंधित हम किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं या गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, सैलरी देते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चुकाते हैं या इनडायरेक्ट इनकम प्राप्त होती है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन के नाम से हम उसको जानते हैं। ध्यान रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कैश ट्रांजेक्शन। देखो, जब हम किसी पार्टी से उधार में माल न बेच कर या न खरीद कर कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना, पैसा भी कैश देते हैं, गुड्स भी कैश खरीदते हैं, तो वो हमें कैश ट्रांजेक्शन के अंदर जोड़ दिया जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होता है जिसमें हम पार्टी से उधार में माल लेते हैं या उधार में बेचते हैं, मीन्स हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो उधार से संबंधित करते हैं, तो हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स क्या आता है। देखो, अकाउंट्स वो होता है जिसमें किसी भी पार्टी से माल खरीदते हैं तथा बेचते हैं, उनके नाम का रिकॉर्ड बनाना, बुक्स के अंदर नाम का रिकॉर्ड बनाना ही अकाउंट कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना, जिसका हम रिकॉर्ड बनाते हैं पार्टी का या खर्चे का या इनकम का, ठीक है ना, या बैंक से संबंधित है, तो ये सभी का रिकॉर्ड बनाना ही अकाउंट कहलाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है लेजर। तो लेजर क्या होता है, टैली के अंदर हम किसी भी पार्टी का नाम का रिकॉर्ड बनाते हैं, तो वह रिकॉर्ड हम लेजर के अंदर बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अकाउंट से संबंधित जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, और आप हमें इसी नंबर पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसलिए धन्यवाद दोस्तों।